प्रभात भैया कहाँ जा रहे हैं अपन? अफ्रीका। अफ्रीका नहीं, अंजार ले। लेट्स गो। चलो बड़े, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा व्यू खुलने वाला है कुछ। अरे नहीं यार। सो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और छोटी सी राइड पे हम निकल चुके हैं। वैसे छोटी सी नहीं, ये राइड थोड़ी सी बड़ी होने वाली है और इसमें हमारे सारे बंदे हमारे साथ हैं, जो होगी हमारी बंदाई। और क्या तो जाम लगा हुआ है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, देखो तो सही यार, ये तो हालत ख़राब हो जाएगी अब, क्योंकि टाइम हो गया है 10 और 10 बजे तो एकदम पीक आ रहा है मुंबई में। तो वैसे हम जा रहे हैं अंजारले बीच, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक लोकेशन चूज़ कर ली मैप में और सोचा कि यहाँ तक चलते हैं। तो बंदो फाइनली 2 घंटे बाद मुंबई के ट्रैफिक से खूब सारी लड़ाई करने के बाद निकल चुके हैं अब बाहर मुंबई के, और काफ़ी सुंदर सा वेदर हो गया है, बढ़िया रोड आ गई है, तो अब बढ़िया चलते रहते हैं। काफ़ी बीच में हम लोग अलग भी हो गए थे, अलग अलग रूट्स बता रहा था गूगल मैप्स, बट अब आ गए ट्रैक पे। तो हमारे साथ है आज शशि भैया, चंद्र भैया, ये एंड द राइडर एंड प्रोवाइडर सौमिल द भैया जी, वो इन रेड ग्लव्स। और प्रभात भैया कर रहे हैं ड्राइव। मराठी में श्लोक। हाँ क्या एक लाइन था, ये तो सेंटेंस था बस। जाऊ तो ना घरी आता बदले की बारा। अरे लोकपाल जन जय महाराष्ट्र। ये पण मराठी। जय महाराष्ट्र। ये आए कट्टर मराठी। साहेबान साहेबान। अरे ये कॉमन पंडित जो ये मराठी लोगों मराठीत बोल बे। नितिन जी आए मराठीत बोल बे। तो बंदो टाइम हो चुका है 2 और हम पहुंच चुके हैं मानेगांव कुछ साइड। तो यहां से अराउंड कुछ 80 किलोमीटर बची हमारी डेस्टिनेशन, और यहां मिल गई है लाल परी जो ओवरटेक करने ही नहीं दे रही यार, इतना टाइम हो गया। और इससे तो भैया बहुत ज़्यादा सुरक्षित अंतर ठेवा पता नहीं क्या लिखते हैं, प्लीज़ भाई निकलने दो यार। तो बस पहुंच के बताते हैं, अभी अच्छा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो रास्ता पूरा टूटा हुआ मिला है और पत्थर और बीच बीच में बना हुआ था, बीच बीच में नहीं बना हुआ था, तो ठीक है कोई नहीं, ऐसा ही रोड मिला है पूरे रास्ते, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया। बहुत छोटे से डिस्टेंस में बहुत टाइम लग रहा है, अराउंड 200 किलोमीटर ही है मुंबई से, बट फिर भी टाइम तो अराउंड 7 आवर्स ही लगेगा। मैं बहुत धीमे धीमे आ रहा हूँ। आ गए यहाँ से राइट है आगे से। यार वो लेफ्ट में क्या सीन था यार, गाने चल रहे हैं यार यहाँ तो बढ़िया। पत्रे मादेवा निंगे। क्या हुआ? वाह यार कुछ नहीं, बस यहाँ से राइट लेना था इसलिए रुके थे हम लोग। हाँ इसीलिए रोड आ गई है अपनी वाली एकदम सही घाट, और इस तरफ चल रही है एक बहुत सुंदर सी नदी, वहाँ पे एक पिक्चर लिया अभी मैंने, तो बढ़िया है एकदम, बढ़िया रोड है एकदम, बढ़िया दिन है, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी नहीं है अभी, और सब बंदे चल रहे हैं एकदम सटीक। वाह कितना सुंदर हो रहा है यार, बोट्स वगैरह बड़ी है पुरानी एकदम, और रोड तो बहुत सुंदर हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग काफी। This is my favorite view in mirror, Somil भैया, पूरी स्पिति ऐसे ही रहे वो एकदम ऐसे, एकदम सटीक, एकदम मिरर में हमेशा दिखते हुए, तो वो बहुत अच्छा होता है राइडर के लिए कि उनके जो साथी हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो एकदम साथ में चल रहे हैं, कि कभी भी कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो तो वो हमेशा अपने साथ में रहें। नहीं तो बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो बहुत आगे पीछे चलते हैं, वो दैट मेक्स नो सेंस एक्चुअली। अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो फिर उसका मतलब ही यही है कि आपको साथ में कंपेनियन एकदम बढ़िया होना चाहिए,
बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए रोड ट्रिप उस बंदे के साथ करो जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। सी दिस व्यू गाइस, वाओ, क्यों प्रभात दिया, डैम डैम गुड। आ गए सारे बंदे भी, चलो करते हैं बंदाई। यो आज मिला है एकदम सुकून तो, क्योंकि इतने ट्रैफिक, इतने पसीने के बाद ऐसे रोड्स और ऐसा वेदर मिल गया, शांति मिल गई, एकदम मन से शांति आ गई है। वाह, और ये व्यू देखिए यार, व्यू देखो आप तो, बस कितना तगड़ा व्यू हो रहा है, अरे गजब यार, वाह। और ये नदी है सावित्री नदी, जो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा ही स्टिल है। इतनी स्टिल नदी तो मैंने सीरियसली नहीं देखी यार, और मतलब थोड़ी तो फ्लो करती होती है, बट एकदम रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहा है इसमें तो पूरी वैली के। वाओ, ये शशि भैया मेरी एक्टिंग करके बता रहे हैं कि मैं ऐसे हाथ चलाता हूँ और ऐसे बोलता हूँ, बट क्या करें, वही तो फील है। और ये चल रही है वीडियोग्राफी, एकदम बहुत अच्छा सा रोड चल रहा था और पता नहीं कैसे ये ऑफ रोड आ गया यार। क्या पिछले चुनाव में बना होगा उतना टुकड़ा? हाँ सही है, पिछले चुनाव में बना होगा, अब वापस बन रहा है। तो सही है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग है, 50 किलोमीटर्स है हम अभी भी हमारी डेस्टिनेशन से, एंड 50 किलोमीटर्स को कवर करने में कितने मिनट लगने चाहिए बताओ बताओ? 1 hour 35 minutes लगने वाले हैं, थोड़ा और ज़्यादा ही समझ लो। और देखिए क्या तो सुंदर नदी हो रही है, वाओ। और यहीं आके एकदम आ रहा है, अगर शशि भैया ने ये देख लिया तो पक्का रोक के नहला देंगे यहाँ पे सबको। हाँ इच्छा तो हो रही है वैसे, बट लेट हो जाएंगे, पानी तो ठंडा ही होगा, वो कितना मज़ा आएगा यार। चलो चलते हैं, घाट रास्ता वाहन सावकाश चलावा। हाँ सावधानी से चलाए, एंजॉयिंग अंजारले, यस अंजारले। क्या बात है, सबके ढेकास दुख रहे हैं एकदम बढ़िया। ये सीट नरम है, ये कड़क है? नहीं नहीं दोनों ही सेम है सीट तो, लेकिन इस पे एक कवर चढ़ा हुआ है तो ये थोड़ी सी कड़क ज़्यादा है, ये नरम ज़्यादा है, तो ये शेप ले लेती है थोड़े टाइम में अपने बम्स का। हाँ फिर दुखने लगते हैं, ये भी दुखते ही है, ये सीट सबसे अच्छी है। चलो लेट्स गो। कौन सी? हाँ पीछे। चलो कहाँ तो जा रहे हैं यार हम लोग, मैंने रैंडमली चूज कर ली थी ये लोकेशन एकदम मैप पे, वेल एक्चुअली लाइट पोल्यूशन मैप देखा कि सबसे डार्केस्ट प्लेस अराउंड मुंबई कौन सी होगी, तो मुझे सबसे डार्क ये दिखी, सबसे पास भी तो अराउंड 200 किलोमीटर्स है। इस प्लेस का नाम है अंजारले, और अंजारले पे बीच भी है काफ़ी अच्छा, पूरी सी साइड है, पूरा कोस्टल रूट है, तो सही रहेगा। आते वक्त हम लोग एक नए रूट से आने वाले तो उसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो पूरा कोस्टल है एकदम, जस्ट सी चलती है यहाँ पे, तो मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। हे तू, तो बस एक घंटा बाकी है, बारिश स्टार्ट हो गई है यार, बस इसी चीज़ का मुझे डर था, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो बस यार मज़ा आ जाएगा पूरी रोड ट्रिप पे,
फटाफट बारिश हो ही गई, धीरे धीरे भी चलेगी यार, बट प्लीज तेज नहीं। हम लोग एक्चुअली पूरा घाट सेक्शन क्रॉस कर रहे हैं एंड शायद हो सकता है कि इसी जगह पे हो, बाद में ना हो। पूरा फॉग तो हो रहा है बट अगर तेज हुई तो मुझे गोप्रो को रखना पड़ेगा। हाँ सब लोग आ चुके हैं, ग्रुप फोटो चल रहा है, ये हल्की हल्की हो गई है बारिश। शिव शंभु, हाँ। तो गाइज यहाँ से है अंजारले का कट सीधे दपोली और मानगढ़ अंजरला। क्यों अंजरला है, अंजरला क्यों अंजरला बोला। अरे कोई नहीं यार, वहीं जाके समझेंगे। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेचिंग चल रही है क्या? फुटबॉल प्लेयर नाइस। इंटरनेशनल लेवल वाह यार। आपकी जर्सी का है सर? जर्सी का है आपकी? दिस इज माय जर्सी। I am an international football. Very nice. तो बंदो अंजरला है 3 किलोमीटर और व्यू देखते से समझ आ रहा है कि अंजरला कितना ब्यूटीफुल होने वाला है और बहुत ही सुंदर सा व्यू है। यहाँ से पूरा सी दिखने वाला है एंड जिस रिजॉर्ट में हम लोग शायद तक रुकने वाले, अभी देखते हैं अगर वहाँ पे जाके ठीक ठाक बजट रहा तो रुकेंगे। वैसे यहाँ पे मुझे काफ़ी होटल्स वगैरह दिखे हैं, ये भी एक होटल ही है तो बहुत। अरे ये वाला कितना सही लग रहा है रोहत भैया। तो ऐसा ही कुछ रुकेंगे जगह पे एंड जगह देखिए कितनी सटीक है। सोमिल भैया रुके थे लेफ्ट, ये है अंजरला का गणपति मंदिर। चलो क्या नेटवर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ? बहुत बढ़िया। तो गाइस नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल डेड, तो सबसे अच्छी बात तो यही है, नो कॉल्स। हाँ बाय बाय। तो बहुत ही प्यारा सा गांव है यार। जय माता दी, जय माता दी। तो पहले तो चलते हैं बीच पे और वहां पे देखते हैं यहाँ का व्यू जो मेन व्यू है, फिर उसके बाद ढूंढेंगे हम होटल और करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और फिर रात में अगर पॉसिबल हुआ तो देखेंगे मिल्की वे। वैसे आई थिंक दिख जानी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी स्काई क्लियर हुआ तो काफ़ी स्टार्स दिख सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशन हमें मिल सकती है। एकदम सुंदर सी गलियां गोवा जैसी, वाह। होम स्टे, स्वप्न पूर्ति होम स्टे, वाह ये तो एकदम सही लग रहा है। क्यों प्रभात भैया, जैसे अपन लोग मेघालय में रुके थे वैसे ही है ना? सही है। एंड यहाँ है मंदिर एक, चाहे हो सीधा क्या? ये रहा बीच रिजॉर्ट। चलो आओ देखते हैं कैसा होगा बीच रिजॉर्ट।
ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा व्यू खुलने वाला है कुछ। ए मुर्गी हट जा। बच गए यार। ओ शिट 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 शिट। अरे नहीं यार, अरे यार वो यार क्या जगह है, बीच पे बहाऊंगा आज तो मैं। बहुत सही, वो रिजॉर्ट है, उसका ही फोटो है। यस, वो जो वहां से कहीं से लिया। अरे जगह दिखा, जगह कैसी है? व्हाइट सैंड बीच है यार। चलो आज आएगी, देख लेना। वाह यार,